घर घर तिरंगा लगाने की बात कह रहे थे और ये घर घर भाजपा का झंडा खेत में लगा दिए जहाँ जानवर भी नहीं रहता है ये भ्रष्टाचार के खाते में जाएगा जो तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा गया है उस हर भाइयों बहनों हर सर के ऊपर छत होगा हर छत में नल होगा हर नल में जल होगा हर घर में बल्ब होगा देश की स्मिता बिल्कुल खतरे में है और हिंदुओं का शोषण सबसे ज्यादा है मैं गुजरात की गली गली में घूमा हूँ हर जगह देखा हूँ और आज दिल से बोलता हूँ कि इसे रामराज तो नहीं कह सकता जब 28 साल से भाजपा गुजरात मॉडल नहीं सही कर पाई है गुजरात की स्थिति नहीं सही कर पाई अभी आपने यहाँ के घर दिखाए अभी आपने यहाँ के सोच दिखाए कितनी रेप की घटना इसीलिए इस गुजरात में तीन से ज़्यादा रेप हुए इकसठ गैंग रेप हुए ये मेरा डाटा नहीं है एन का डाटा है बीजेपी आंकड़ों के लिहाज से देश की सबसे अमीर पार्टी है कॉरपोरेट सबसे ज़्यादा उसको चंदा देता है लगभग छः हज़ार करोड़ रुपए की पार्टी है लेकिन उसी बीजेपी ने प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया था कि सबको झंडा फहराना है घर घर मैं इस समय निकला हूँ जामनगर से जूनागढ़ की तरफ और ये खेत है यहाँ कुछ नहीं है लेकिन मेरे कैमरामैन आपको बीजेपी का झंडा दिखाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बीस पच्चीस पचास झंडे हैं इधर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो ये बीजेपी के झंडे हैं सोचिए वो बीजेपी जो पार्टी दफ्तर में तिरंगा झंडा बेच रही थी कितना पैसा है बीजेपी के पास और चुनाव में कितना पैसा झोंकती इसका अंदाज़ा लगाइए मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार एक्टिविस्ट गुजरात को छान रहे हैं डेमोक्रेसी की जड़ों को गहरी मजबूती देने वाले तिलकधारी भगवान चित्रगुप्त के वंशज साक्षात वंशज और चूंकि पंकज अपने आप को चित्रगुप्त के वंशज मानते हैं और इनका कहना है कि हिंदू धर्म के हिसाब से सनातन धर्म के हिसाब से ब्राह्मण धर्म के हिसाब से वैदिक धर्म के हिसाब से इनका काम है हिसाब किताब करना कौन गलत है कौन सही है उसका हिसाब किताब करना है ये झंडा हाँ। इसका आधा साइज भी नहीं था हाँ। जो तीस रुपए से पचास रूपए हाँ। लोगों को राशन के दुकानों पर फिक्स कर दिया गया था कि राशन उसी को दिया जाएगा हाँ। जो झंडा लेगा सरकारी राशन, राशन। पीडीएफ हाँ, हाँ यही तो कह रहा हूँ खेत में कौन है राशन लेने वाला है, है कोई भाजपा नेताओं को, ने को जरा सा भी सर में एक लाइन से देखिए ये, ये, ये खेत में देखिए तो आखिर ये पैसा आप जहां तक आपकी नजर जाएगी ये झंडा ही झंडा नजर आएगा इधर देखिए जिधर आपकी नजर जाएगी झंडा ही झंडा नजर आएगा और दूसरी तरफ देखिए वो देखे हो सकता है किसान ने खरीद के लगाया है सुन तो लीजिए आइए ना दिखाते हैं नहीं उस पर आएंगे पहले इस पर बात कर लेते हैं हो सकता है किसानों ने खरीद के लगाया हो इनका राष्ट्रप्रेम देखिए दिखावे का अगर राष्ट्रप्रेम होता तो ये तिरंगा फ्री बांटते घर-घर तिरंगा लगाने की बात कह रहे थे और ये घर-घर भाजपा का झंडा खेत में लगा दिए जहां जानवर भी नहीं रहता है तो ये झंडा का पैसा कौन देता है कहाँ से पैसे आते हैं चित्रगुप्त के हिसाब किताब में किस खाते में जाएगा बट्टे खाते में जाएगा ये, ये भ्रष्टाचार के खाते में जाएगा जो तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा गया है उस जो कंपनियां खरीदी है जैसे अमानी अडानी जो दलाली में पैसा दिया है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो जिसको कहते हैं जो चंदा आता है जिस जो चंदा आरटीआई के दायरे में नहीं आता है पी फंड में जो पैसा आया वो सब पैसा इस झंडों में लगा हुआ है और किस तरीके से देश के जनता का पैसों को बर्बाद किया जाता है सोचिए तीस रुपये में बीजेपी झंडा बेच रही थी लेकिन खेतों में झंडा और इसी जगह इस देश के गरीबों का घर गर दिखा रहा हूँ गुजरात मॉडल में गरीबों का घर गर दिखाऊंगा सवाल तो बनता है पत्रकार हो एक्टिविस्ट हो सवाल पूछना लाजमी है क्योंकि बीजेपी सवाल पूछती है तमाम कोई गैर सबर नेता हो तो सवाल पूछा जाता है मेरे साथ बाल कभी भी है उनसे भी सवाल करेंगे और ये देखिए ये घर ये है तीन करोड़ घर योजना कि किस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है आ, हर भाइयों बहनों हर सर के ऊपर छत होगा हर छत में नल होगा हर नल में जल होगा हर घर में बल्ब होगा तो ये सवाल है आ, दूसरा ये लकड़ी की गठरी बताती है कि यहाँ उज्ज्वला योजना किस तरीके से देखिए ये देखिए लकड़ियों के गठर ये देखिए इज्जत घर ये प्रधानमंत्री शौचालय योजना गुजरात मॉडल है या ये कौन सा मॉडल है भाई ये है इज्जत घर ये देखिए ये है इज्जत घर किस तरीके से त्रिपाल में चलता है ये देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ये देखिए ये देखिए झंडा नहीं लगा लेकिन अरे भाई तो वही तो, तो मैं कह रहा खरीद के लगा के गरीब है ना खेत में खरीद के कौन खरीदने वाला है आप आइए ये देख लीजिए ना ये है प्रधानमंत्री का इज्जत घर शौचालय योजना ये है प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना ये देखिए यह है प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना।, योजना ये देखिए प्रधानमंत्री का है योजला योजना यह है प्रधानमंत्री का योजला योजना यह है प्रधानमंत्री आवास योजना वो है प्रधानमंत्री इज्जत घर शौचालय देख रहे प्रधानमंत्री आवास है ये गुजरात की हालत है हर सर के ऊपर ये गुजरात की हालत है यही तो कब बात कहा जाता है जब स्ट्रीम मीडिया जो मोदी मीडिया जो आप उसको गोदी मीडिया नहीं कहेंगे मोदी मीडिया जिसको मोदी फिविया की बीमारी है उसको क्या चाहिए कि गाँव में नेशनल हाईवे से नीचे उतर कर आएगी तो उसको सब समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने झंडा टांगने के लिए पैसा है जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए मैंने राशन में कटौती करके दिया जाएगा वाह वाह मोदी जी वा। हिंदू हृदय सम्राट कभी आप क्या कहेंगे ये हिंदुओं की सरकार चल रही है बहुत हृदय व्यथित हो गया ये देखकर बहुत देखिए ये तो सोचिए सवाल है ये दो शख्सियत मेरे साथ हैं जो भारत गुजरात दर्शन पर निकले हैं सवाल है कि सत्ताईस साल से बीजेपी है आज भी तीन करोड़ प्रधानमंत्री घर देने का दावा करते हैं घर देखिए योजना देखिए इनके घर में नवेद है अगर बारिश होगी ये कहाँ सोएंगे न बिस्तर है किस तरीके से जीवन गुजर बसर करते हैं और प्रधानमंत्री भारत को विश्वगुरु बनाने की बात कहते हैं जिस गुजरात के वो बेटा हैं जिस गुजरात ने उनको मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाया उस गुजरात की क्या हालत है तो सोचिए सवाल तो है कि तीस रुपए में झंडा बेचने वाली पार्टी तिरंगा बेचने वाली पार्टी सवाल है कि तिरंगा जब बेचा जा सकता है तो झंडा खेतों में कैसे लगाए सोचिए हम लोग लगातार आपको मैं हम लोग सोचिए सरकार से सवाल जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक किसी का भला नहीं होने वाला है सरकार से सवाल पूछना जरूरी है हम लोग डेमोक्रेसी के रक्षक हैं फोर्थ पीलर हैं जो सवाल बनता है तिरंगा बेचा गया झंडा खेतों में आप लोग लोकल हैं लोकल। हिंदी जानते हैं हिंदी नहीं जान। क्या नाम है विजय दर ये खेतों में झंडा लगा हुआ है तिरंगा आप लोगों ने लहराया था कि नहीं वही तो पार्टी ना वैसे ही है ना नहीं, तिरंगा लहराया था कि नहीं तिरंगा तो लहरा भी इतने कितने अच्छा? में आया था तिरंगा कितना में खरीदा था पैसा थी कोई तिरंगा खरीदा नहीं था अच्छा, अच्छा तो आये हमारे तो यहाँ तो तीस रुपए में मिला था यहाँ क्या हवा चल रहा है बीजेपी आएगी दोबारा क्या आया आया तो बीजेपी जावा क्या अच्छा लगता है मोदी जी का मोदी जी का काम तो अच्छा है ना कौन कौन सा काम एक पानी छे छे रोड रास्ता छे बता सारा काम तो ये घर किसी की गरीब लोग का घर तो है तो मजदूर का घर है न बाहर से आया है हमारा राज्य का देश का भाग गुजरात का नहीं है कहाँ का है ये तो यूपी क्या नाम वो भैया बाहर के मजदूर क्या नाम है आपका अच्छा नहीं।, नहीं।, नहीं बोले कैमरे पर कुछ नहीं किसके बारे में बोले ये झंडा खेतों में झंडा है यहाँ झंडा लगता है खेतों में वो राजकारण का काम राजकारण करेगा हम क्या करेगा नहीं नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ मतलब किसका वो तो ज़िये? सरकार को देखना पड़े ना कि खेती में किसकी जरूरत तो तिरंगा लहराए थे, थे कि नहीं तिरंगा किसका अभी जो प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा अभियान चलाया था तो तिरंगा लहराया था सभी जगह पर लड़ा है ये कितने में तिरंगा आया था वो तो फ्री में ही देते है ना पैसे कहाँ लेते पार्टी दफ्तर में तिरंगा उतरा उतरे ये तो भाजपा का झंडा है ना फ्री में मिलता है तिरंगा तो है ही नहीं यहाँ पे तिरंगा फहराया था उनका जो आप कहते हैं ना भारत का तिरंगा वो तो यहाँ पर ही नहीं 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 जब तिरंगा झंडा फहराया गया था तो आपने फहराया था कम्युनिकेशन गैप है बात इसके पहले हाँ हाँ इसके पहले आ, वो तो लहराया था सभी गांव में था ना लहराया था काफी दिनों बाद पहले हाँ हाँ काफी दिन नहीं हुए कुछ महीने हुए हैं तो कितने का आया था वो मुझे ज्यादा पता नहीं है ज्यादा क्या नाम है दिव्य राज सिंह जडेजा क्या करते हैं जडेजा जी मैं जॉब करता हूँ कहा इस एरिया में सभी में कितने पढ़े लिखे मैं लिखा पढ़ा लिखा पास हुआ स्कूल छोड़ दिए अभी कितनी सैलरी मिलती है बस इतना तो काफी है आपको और किसी से पूछ सैलरी तो बता दो सैलरी तो कहाँ है ही नहीं आपको पता ही है दस पंद्रह हजार में सब घूमते हैं आपको पता ही है इसलिए तो आप पूछ रहे हैं राजपूत दस पंद्रह हजार में गुजारा कर रहे हैं आप तो राजपूत है ना आप तो क्या करे हमारी जैसी जॉब काम को ढूंढ लेते हैं हम सोचिए जदेजा हैं राजपूत समाज से हैं और दस हजार पंद्रह हजार में मजदूरी कर रहे हैं दसवीं पास हैं ये भी गुजरात मॉडल है जॉब कर, कर रहे हैं मजदूरी नहीं जॉब जॉब कर रहे हैं कितनी तनख्वाह है दस पंद्रह हजार दस पंद्रह हजार दस पंद्रह हजार ये गुजरात मॉडल है दस पंद्रह हजार है ना ये ना समझ हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं दस पंद्रह हजार वाला गुजरात मॉडल अच्छा तो है पूरे देश में लागू होना चाहिए देखिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है खास करके आप लोग देश के दूसरे हिस्सों में डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर डेढ़ लाख दो लाख वाला नौकरी ढूंढ रहे हैं ये कैसे चलेगा यहाँ जडेजा जी लोग दस से पंद्रह हज़ार वाला नौकरी में खुश है यही है गुजरात मॉडल मजदूर मजबूर पंद्रह हज़ार देखिए गुजरात की तस्वीरें बयाँ करती है कि किस तरीके से पूरे देश को गुजरात मॉडल के नाम पर जो गुजरात मॉडल गुजरात का मॉडल नहीं है गुजरात मॉडल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मॉडल गुजरात मॉडल सरदार पटेल का मॉडल ये जो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है और ये जो रंगा बिल्ला का मॉडल है उसमें आप देखिएगा छः हजार स्कूलें गुजरात में बंद कर दी गई ये वही गुजरात है पंद्रह हजार वाला रामराज ठीक चलेगा बाबा जो देखिए न्याय का मतलब है जो जिस काबिल हो उसे वह अधिकार मिल जाए अधिकार मिले काबिल ही नहीं बनेगा तो अधिकार क्या नाम है विपुल भाई विपुल भाई क्या करते हैं खेती बाड़ी सब ठीक है ना अच्छा चकाचक चक। कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई दिक्कत कितनी आमदनी होती है वो तो नहीं गिनी खाद मिल रहा है टाइम पर सब मिल रहा है हाँ। गैस गैस सब कुछ कितने का आ रहा है गैस एक हजार पचास रुपये बाटला तो सस्ता हुआ महंगा हुआ महंगा लिखे एस वाई मतलब कॉलेज कॉलेज कहाँ तक एस वाई नौकरी नहीं मिली नहीं नहीं बिजनेस करते हैं खेती खेती आ, कितना खेत है पचास बीघा पचास बीघा है पचास बीघा खेत है तो फिर का खेत है झंडा लगा हुआ है नहीं 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 आगे है रामपुर गांव में क्या क्या खेती होती है कपास मूंगफली खुल्ले और जीरा चना आप तो अमीर आदमी है <laughs> तब कह रहे हैं पचास बीघा जमीन है अमीर है तब कह रहे हैं, बाटला महंगा है महंगा है तो महंगा ही है ना चलिए तो ये है, क्या नाम है ताओ रत्सी हैं क्या करते हैं खेती खेती ठीक है तो ये गुजरात मॉडल है और तिरंगा बेचा गया झंडा खेतों में लहरा सकते हैं सवाल पूछा जाना चाहिए कि गुजरात मॉडल मतलब है दस पंद्रह हज़ार की नौकरी मैं लुआब लगभग आधा गुजरात घूम चुका हूँ यहाँ डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और क्लर्क भी जो क्लर्क है चपरासी है सरकारी चपरासी को भी पैंतीस से चालीस रुपये देने पड़ते हैं और यहाँ बारह से पंद्रह हज़ार में लोग खुश हैं आईटीआई आई करके और इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही भारत को बनाना है दो बातें कहना चाहूँगा जब 28 साल से भाजपा गुजरात मॉडल नहीं सही कर पाई है गुजरात की स्थिति नहीं सही कर पाई अभी आपने यहाँ के घर दिखाए अभी आप यहाँ के सोच दिखाए कितनी रेप की घटना इसीलिए इस गुजरात में तीन हज़ार से ज़्यादा रेप हुए इकसठ गेंगरे फुबे मेरा डाटा नहीं है एन सी आर बी का डाटा है आज बताइए कि जब हिंदुओं की स्थिति गुजरात में जिस मॉडल को लेके अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार पूरे देश जाते हैं और गुजरात मॉडल की खाते हैं क्या गोदी मीडिया मेरा सवाल इस जनता से है क्या गोदी मीडिया सब क्या को ये इलाके नहीं दिखते हैं क्या सरकार उनको फंडिंग करती है क्या हिंदुओं को दबाने को चलने अरे बाबा कहाँ पर वो फाइव स्टार होटल में रुकती हैं वो लोग जमाती हैं, वो नेता बुलाती हैं, उनको जनता से थोड़ी खबर दिखाना तो ये है क्यों नहीं दिखाएंगे तो आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा देखिए मैं एक चीज बताता हूँ अगर जेल जाने से जेल जाने से अगर युवाओं को योजना बढ़ती है तो मैं भगत सिंह का सिपाही हूँ मस्जिल जाने को तैयार चलिए गुजरात मॉडल पर आपकी क्या राय है डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर चपरासी को भी चालीस हजार या दस हज़ार वाला गुजरात मॉडल आपको पसंद है आपको तय करना है मैं सवाल पूछूंगा तिरंगा जब बेचा जा सकता है और ये भगवा ये पार्टी का झंडा खेतों में लहरा रहा है सवाल तो बनता है ना खैर गुजरात मॉडल है मैं आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपनी बात रख रहा हूँ आप लोग सही गलत का फैसला कीजिए कैमरा नाशीस के साथ शंभू कुमार सिंह नस्ल दस्तक दूर कहीं जूनागढ़ और राजकोट के बीच जामनगर के बीच एक गांव से शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें, कमेंट जरूर करें